पिंपल्स एक नहीं दो तीन आया है इस साइड में, इस साइड में नहीं आया बट इधर बहुत सारा पिंपल्स आ गया। आज मैं हूँ घर पे अकेली, मेरा हस्बैंड आज गया है ऑफिस एंड आज बहुत काम है, बहुत काम है मतलब जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं रहता है उस दिन खाना बनाने का तो कुछ वो नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ, कुछ भी बना के खा लूँगी मैं। और क्या है ना, थोड़ा बहुत डस्टिंग करेंगे आज क्योंकि बहुत ज़्यादा दो तीन दिन हो गया, दो तीन दिन से डस्टिंग नहीं किया तो इधर उधर थोड़ा थोड़ा धूल मुझे दिख रहा है, इस वजह से ये पिंपल आ सकता है। मेरे को इतना एलर्जी है ना, मतलब डस्ट एलर्जी बहुत है मुझे, तो इसीलिए अभी डस्टिंग कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे सब। एंड ना परसों मैं कपड़ा धोई थी, वो सब कपड़ा भी अभी मिला के रखना है। सो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सो चलो किचन में चलते हैं, आज तो घर पे कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड ऑफिस चला गया है, आज घर पे हूँ मैं अकेली। दीदी भी आके काम करके चली गई है, उनको पर्दा सब हटा देते हैं। दीदी भी आके काम करके चली गई है, आज एकदम मैं हूँ अकेली। सो आज ना जीरा वाटर नहीं पियेंगे, आज लेमन वाटर पियेंगे, क्योंकि नहीं मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि लेमन और हनी वाटर पीने से आपका वेट लॉस होगा। आज सबसे पहले स्किन केयर करेंगे क्योंकि ना अभी फ्रेशन अप होकर सीधा मैं कैमरा ऑन कर दिया था, मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है ना स्किन का वो आज मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ना मैं कोम कर लेती हूँ क्योंकि कोम करके हेयर को बांध लेते हैं तो फेस पे नहीं आएगा, नहीं तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा वो होता है अगर क्रीम लगाते टाइम आ गया ना फेस पे। तो ये ना एक्वालॉजिका का है, बॉडी एंड फेस बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरा ना बहुत ऑयली एंड क्या बोलते हैं इसको, ऑयली एंड एक्ने प्रॉब्लम स्किन है मेरा, तो ना ये मेरा ऑयल कंट्रोल करता है। मेरा ऑयली स्किन है बोल के ना मैं हर क्रीम का क्वांटिटी बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, नहीं तो बहुत चिपचिप हो जाता है। और ना ये ग्रीन टी है तो इसमें जिनका भी ऑयली एंड एक्नी प्रॉब्लम है ना आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं क्वांटिटी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद अभी मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, एंड मैं ना डॉक्टर शेट का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वही बोली कि मेरा ऑयली स्किन है और एक्ने प्रॉब्लम है, एंड मैं हर चीज़ का क्वांटिटी बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। ये मतलब मेरा पर्सनल वो है, नहीं तो मुझे ना ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, और ऑयली स्किन में अगर आप ऑयली चीज़ ज़्यादा वो करोगे ना तो पिंपल्स और ज़्यादा आएगा। बहुत ही अच्छा है ये सनस्क्रीन भी, एकदम कोई वाइट कार्ड्स नहीं रहता है इसमें। तो सनस्क्रीन मैंने अप्लाई कर दिया है एंड इसके बाद लिप बम ना मैं अभी कोई कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं वैसलीन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है मेरा, तो मुझे वैसलीन अच्छा लगता है इसीलिए मैं वैसलीन ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा वैसलीन लगा लिया। तो यही था मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, एंड मैं मॉर्निंग को स्किन पे सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं रात को करती हूँ वो भी कभी कभी। एंड ऑयली स्किन है, अगर ज़्यादा ऑयल खा लिया ना, ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया तो फिर मेरा स्किन में देखो आना स्टार्ट हो गया। ये दो तीन दिन नॉनवेज मैंने बहुत ज़्यादा खाया इसलिए हो सकता है, तो मैं सीरम रात को यूज़ करती चलो हूँ। अभी मैं मेरा वाटर पी लेती हूँ। आज मैं पी रही हूँ जीरा वाटर नहीं, आज मैं लेमन वाटर पी रही हूँ, लेमन हनी वाटर, मैं हनी ऐड नहीं किया, मैं सिर्फ लेमन वाटर पी रही हूँ। एंड मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि लेमन हनी वाटर पीने से वेट लॉस होता है क्योंकि सिर्फ लेमन एंड हनी वाटर पीने से वेट लॉस नहीं होता है, ये ना हमारा डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प करता है अगर आप ये पीते हो तो। एंड अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका डाइट अच्छा है, आपका स्लीप अच्छा है, तब वेट लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप खाली पेट में सिर्फ और सिर्फ लेमन वाटर पी रहे हो और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है तब थोड़ा सा।
लेमन वाटर पी लिया है अब ना, उस दिन कपड़ा धोई थी। एक मिनट अभी ना बहुत सारा कपड़ा है, वो सब थोड़ा सा मिला के रखना पड़ेगा। एंड आज ब्रेकफास्ट थोड़ी देर बात करूँगी, और ब्रेकफास्ट ना बन गया है। मेरा हस्बैंड जब ऑफिस गया था तभी बनाई थी मैं, और मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो हरा मूंग का चिल्ला बनाई हुआ है, थोड़ा सा ही खाऊंगी ब्रेकफास्ट। इतना गर्मी में मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सब मिला के रख दिया, बेड भी झाड़ दिया क्योंकि बाहर से कपड़ा लाए थे ना, बहुत धूल होता है। और अभी ना ये मेरा लैपटॉप टेबल और ये जो है ना बेड के सामने, वो क्लीन करना पड़ेगा। इतना डस्ट है ना, तो अभी ये सब थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे। एंड आज खाना बनाने का वैसा कुछ नहीं है, और ब्रेकफास्ट तो बनाया हुआ है, सुबह उठ के मैं बनाई थी। आज ना हरा मूंग का चिल्ला बनाई थी, तो वो खा के गया मेरा हस्बैंड। ओह शिट, ले लेते इससे ना मैं क्लीन करती हूँ। ये टिश्यू इतना अच्छा है, मतलब देखो ये फटता नहीं है, रबर के जैसा है। और ये ना अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो इसको आप धो के भी रख सकते हो, मतलब वॉशेबल है ये, धो के आप रख सकते हो, फिर बाद में भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था, बहुत अच्छा टिश्यू है ये। गाइस घर सब क्लीन हो गया है, डस्टिंग वगैरह मैंने कर दिया है, अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट करने का एकदम मन नहीं है मुझे, फिर भी थोड़ा सा खाऊंगी क्योंकि। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, एंड इसके साथ ना मैं थोड़ा सा तंदूर सॉस यूज़ करूँगी। सो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मिलते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और ना अभी आज खाने में बनाऊंगी करी एंड राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और दो तीन दिन से इतना ज़्यादा नॉनवेज खा रहे थे ना कि अभी, और मेरे को नॉनवेज खाने का मन नहीं है, और करी बहुत हेल्दी होता है, सो करी और राइस बनाऊंगी अभी। तो आज का खाना बन गया है, एंड आज खाने में बनाई हूँ राइस, और ये है करी, एंड यहाँ पे थोड़ा सा पकौड़ा रख दिया है, करी का जो बड़ा बनाई थी ना वो रख दिया। और इतना गर्मी है ना, करी राइस एकदम बेस्ट है। तो ये मैं दही और बेसन से करी बनाई हूँ। कल से ना पानी नहीं आ रहा है वॉशरूम पे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखते हैं कि पानी आया है कि नहीं। नहीं आया है, तो पानी ना सिर्फ सिंक पे आ रहा है और कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं नहा नहीं पा रही हूँ आज। तो चलो खाना तो बन गया है, अभी ना मैं आज का मेरा जो आफ्टरनून का जो स्किन केयर है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खाना वाना बना लिया, देखो इतना गर्मी में गैस के सामने खाना बनाते हैं स्किन तो इसके बाद अभी दोपहर को मैं क्या करती हूँ वो स्किन केयर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलो जल्दी से जाके पैक बनाते हैं। एंड आज मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगी ना, जो इन्ग्रीडियंट दिखाऊंगी, अगर ये आप लोग आपका डेली रूटीन स्किन केयर में ऐड करते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्किन आप लोगों का होने वाला है। सो चलो चलते हैं किचन में, एंड जाके आज का शुरू करते हैं पैक। वैसे पता है मैं ना फ्रिज में बहुत दिनों से बना कर रख दिया, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इन सब चीज़ों में। मैं स्किन केयर तो बिल्कुल ही नहीं करती, मैं सिर्फ हेयर को केयर करती हूँ। एंड देखो ये मैं ऐसे बना कर रख दिया, गेस करो ये क्या हो सकता है, एनी गेसेस? तो इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी जो इसका मेन इन्ग्रीडियंट है, वो है मसूर दाल का पेस्ट।
आप लोग चाहो तो ना इसको पाउडर बना के भी रख सकते हो। ये देखो इतना सा क्वांटिटी में मैंने इसको यूज़ किया, ये है मसूर दाल का पेस्ट। आप लोग चाहो तो पाउडर बना के भी रख सकते हो। उसके बाद जो यूज़ करूँगी वो है गेहूं का आटा, बस इतना सा यूज़ करूँगी मैं। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है दही। इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं ऐड करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हो, बट पानी नहीं। एंड मैंने यहाँ पे दही ऐड किया 2 चम्मच, और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। इसको ना आप फेस नेक हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ये जो पैक मैंने बनाया है ना, इसको अभी अच्छे से फेस में अप्लाई कर लेंगे। ये देखो ऐसा ऐसा बनेगा। एंड जिनका भी ड्राई स्किन है ना, अगर दही यूज़ नहीं कर रहे हो, जिनका भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो इसमें मिल्क ऐड कर सकता है दही के लो जगह अभी पे। ना इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे, फेस नेक हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये आप लोग अगर हो सके ना डेली यूज़ करो, नहाने से पहले 10-15 मिनट इसको अप्लाई करके फेस में रख दो। उसके बाद अच्छे से फेस वॉश करके इससे, मतलब नॉर्मल वाटर से, ठंडा पानी से अच्छे से फेस को वॉश करके नहा लो। सो गाइस 10 मिनट हो गया है अभी, चलो मैं इसको धो के आती हूँ। भूत जैसा लग रही हूँ मैं, आई नो, बट चलो इसको अभी मैं एक बार में मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, एंड ये है रिजल्ट। देखो मैंने अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, मतलब इतना। आप एक बार यूज़ करो, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा है। इतना अच्छा रिजल्ट है ना, इतना फ्रेश फील रेगुलर होता है। यूज़ करोगे ना ये ना स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। डार्क स्पॉट जैसे कि मेरा है, पाओगे आप लोग देख यहाँ, पे बहुत सारा स्पॉट है पिंपल्स का, यही है देखो। इतना ही मतलब एक दिन में तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और ये सब होम रेमेडी है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एंड ट्राई करके बताना कमेंट करके सो कैसा गाइस है। यही था मेरा डे स्किन केयर रूटीन। एंड अगर आप लोगों को नाइट स्किन केयर भी देखना है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। सो गाइस मैंने ना मेरा खाना ले लिया है, और अभी इसको थोड़ा सा मैं गरम कर लूँगी। यह है मेरा आज का लंच। लंच लंच में में है है राइस, करी एंड बड़ा। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, एंड ऐसा और ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।